तो कह रहा है कि नंबर प्लेट खुलवा। मतलब दिमाग सही है तेरा, दिक्कत क्या है बता। कह रहा है वो मैं लोन रिकवरी डिपार्टमेंट से हूँ। अरे रिकवरी डिपार्टमेंट से है तो क्या एहसान कर रहा है, काम बताना क्या काम है। कह रहा है तुम EMI नहीं भरे हो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज तकरीबन 5 से 6 दिन बाद नहा धो के एकदम तैयार हुआ हूँ, हेलमेट पहन लिया है और आज ये बाइक जा रही है मेरे साथ ऑफिस। कई दिन बाद जा रहा हूँ, मन तो नहीं कर रहा लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। तो चलते हैं फटाफट से आज ऑफिस, देखते हैं आज क्या क्या जिंदगी सिखाएगी ज्ञान। फाइनली ऑफिस पहुंच चुका हूं और ऐसे लग रहा है घर से कितना दूर ऑफिस है, क्योंकि 5-6 दिन बाद आया हूं और आलस भी आ गया बाइक चलाते चलाते, पर कोई बात नहीं, आना तो था ही ड्यूटी। पहुंच चुका हूं ऑफिस के बाहर, बाइक मैंने कर दी है खड़ी, अब मैं चल रहा हूं सीधे 1st फ्लोर। आज पता है क्या हुआ मेरे को, रास्ते में एक बंदे ने रोक लिया, कह रहा है डबल डबल नंबर प्लेट लगा रखे साइड में रोक। मैं बोला चल ठीक है रोक लेते, क्या दिक्कत है, गाड़ी तो अपनी है, रोक लिया। कह रहा है डबल डबल नंबर प्लेट लगा रखी है गाड़ी रोक। मतलब हुआ क्या है ये बताना। तो कह रहा है कि नंबर प्लेट खुलवा। मतलब दिमाग सही है तेरा, दिक्कत क्या है ये बता। कह रहा है वो मैं लोन रिकवरी डिपार्टमेंट से हूँ। अरे रिकवरी डिपार्टमेंट से है तो क्या एहसान कर रहा है, काम बताना क्या काम है। कह रहा है तुम EMI नहीं भरे हो। मार सर्च, मार पहले गाड़ी का नंबर और देख नाम क्या आ रहा है। नाम देख लिया, अब नाम देखने के बाद ना तू मीटर देख ले, आके देख मीटर कितना चला हुआ, 2,21,000 किलोमीटर। पागल समझा है क्या, तुम लोगों के जैसे फुकरे हैं क्या कि गाड़ी खरीदेंगे और EMI पे EMI नहीं भरेंगे, कैश में लिया हुआ है। तो फिर जाके वो बोला ठीक है। कह रहा 2 नंबर प्लेट क्यों लगा रखी। अबे वो मेरा काम है, बाइक मेरी है, मैं 2 लगाऊँ 4 लगाऊँ उससे तेरे को क्या लेना देना। कभी कभी ऑर्डर डिलीवरी करते में ना कन्फ्यूजन हो जाता है, मेरे को जो एड्रेस ढूंढना था ना वो इस लाइन में होना चाहिए था, लेकिन कन्फ्यूजन क्या है कि वो सामने वाली लाइन में है। और अभी मैं सोच रहा था यहाँ से वापस चले जाऊँ पीछे, क्योंकि बाइक को मैं मेन गेट पर खड़ी करके आ गया वहाँ पर लॉक करके, क्योंकि गेट लगा हुआ था, और यहाँ से वापस चला जाता फिर ढूंढता फिर दिक्कत होती। तो आज आया हुआ हूँ मैं तकरीबन 6 दिन बाद ड्यूटी करने के लिए। आज मेरे को इतना आला सारा काम करने में नहीं लग रहा है मन। और वैसे पहुंच चुका हूं मैं सेक्टर 10A में, ये हाउस नंबर है 1654। यहाँ पे कस्टमर को देना है एक मेडिसिन ऑर्डर और उसके बाद बचेगा एक ऑर्डर मामा के यहाँ जाके, फिर निकलूँगा सेक्टर 15 जाके और 15 वाले रूट को कंप्लीट करके चला जाऊँगा अपने ऑफिस सेकंड रूट के लिए। टाइम हो गया है 2:10 है, काफ़ी टाइम लग गया यार। तो आज का जो है काम करने में मेरे को आ रहा है बहुत ज़्यादा आलस। आलस का रीज़न वही, 6 छुट्टी मारने के बाद पहुंचा हूं ऑफिस और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है ना, क्योंकि घर में ही था तकरीबन 6 दिन और उस वजह से जो है बॉडी हो गई रिलैक्स। रिलैक्स बॉडी की वजह से अब मेरे को ऐसा लग रहा है यार घर चलें, बिस्तर पकड़ें ताकि आराम किया जाए। हालाँकि अब मैं चलूँगा यहाँ से पहले मामा के यहाँ खाटू श्याम से जो प्रसाद लेके आया था वो देने के लिए, भाऊजी के यहाँ पे दे के आ चुका हूँ खाटू श्याम का प्रसाद, मामा के यहाँ पे दे के निकल जाऊँगा सेक्टर 15। 15 में है एक पैकेट डिलीवरी कीर्ति नगर का, वो डिलीवर करके और फिर निकलूँगा अपने ऑफिस सेकंड रूट के लिए। तकरीबन मेरे को 3:30 बज जाएंगे आज ऑफिस में पहुँचने के लिए। कभी कभी ज़िंदगी में देखो ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं। कस्टमर को मैं वहाँ से आया हूँ पैदल ऑर्डर देने, वो एंड जो है गली का गेट लगा हुआ है, बाइक नहीं ला सकते थे, पैदल आया हूँ। फिर उसके बाद कस्टमर ने कॉल नहीं उठाया, सपोर्ट पे बात करी है, फिर कस्टमर से बात हुई है, बात करने के बाद पैकेट दिया है, कस्टमर पैकेट ले गया। फिर उसके बाद मैंने बोला प्यून जो लेने आया था भाई पेमेंट देनी है 3877 रुपया। का फिर फोन आया, भैया हमने तो पेमेंट कर रखी है कल रात को, प्रीपेड है पैकेट में। नहीं मैम हमारे पास तो प्रीपेड नहीं शो कर रहा। फिर सपोर्ट से बात करी कस्टमर से, ठीक है सपोर्ट वाले ने समझाया कि नहीं नहीं पेमेंट नहीं हुआ है, आपकी बैंकिंग साइट से कोई प्रॉब्लम है। कस्टमर ने बोला ठीक है ले जाओ। इस पैकेट में आधा घंटा गया, काम भी नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, ये तो ज़िंदगी में लगा रहता है। फाइनली आ चुका हूँ मामा के यहाँ पे और मैं कर लेता हूँ फटाफट से लंच। ये देखो शैतान है, एक्टिंग करता है बहुत बढ़िया, सोते सोते जो है काम कर देता है ये।
और भूख लगी बहुत जोर से, 2:45 बज चुके हैं, फटाफट खाता हूँ खाना। एक और है सामने, वो भाग गया जैसे उसको बोल देते हैं ना कैमरे के सामने, तुरंत इधर उधर गोली हो जाता है। खाना खा लेता हूँ और फिर उसके बाद निकल रहा हूँ, सेक्टर 15 का एक पैकेट है वो देके और सीधे निकलता हूँ सेक्टर 18 ऑफिस। आज का मॉर्निंग का रूट कंप्लीट करके मैं आ चुका हूँ यहाँ झाड़सा फ्लाईओवर के पास में, और यहाँ से निकल रहा हूँ अब सीधे अपने ऑफिस के लिए। ऑफिस पहुँचने में मेरे को लगेंगे 10 से 15 मिनट, और जैसा कि मेरी बाइक के शॉकर फंस गए थे तो मैं देखो जुगाड़ पे चला रखा है, ये देखो शॉकर कहाँ टाइट कर रखा है, और अब इसको सेकंड रूट कंप्लीट करूंगा, तब उसके बाद इसको मिस्त्री के पास लेके जाऊंगा। वैसे मैं मिस्त्री के पास से ही आ रहा हूँ, मिस्त्री बोला भाई टाइम लगेगा इसमें, लेकिन मेरे पास टाइम था नहीं, तो मैं अभी जा रहा हूँ ऑफिस और सेकंड रूट कंप्लीट करके तब जाके मैं इसको कराऊंगा ठीक। फाइनली फ्रेंड्स पहुंच चुका हूं, जैसा कि आजकल जो रूट मिलने लग गया है तकरीबन 8:30 बजे, और रूट मेरा खत्म हुआ था 10:15 बजे के आसपास, और मैं अब पहुंचा हूं 11 बजे घर। यहां पे देखो ये गौरी है, इसके पैर में दर्द हो रहा है, बात नहीं करेगी बिल्कुल भी। क्या कर रहा है चीते? रुक, कूद रही है। किस लिए कूद रही है? एक्सरसाइज कर रही है इसलिए कूद रही है। चल ठीक है कूद ले। तो अभी देखो पूरा डस्ट डस्ट हो रहा है, गुड़गांव में इस बार बारिश इतनी हुई है, अभी तक धूल मिट्टी सड़कों से साफ नहीं हुई है। तो मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, और नहाने के बाद सीधा खाना खाऊंगा, और खाना खाते के साथ ही तुरंत आ जाऊंगा लाइव पे। फाइनली आज मैंने आधे घंटे का ही लाइव किया। रीजन ये मेरे को थोड़ा सा जुकाम जैसा दिक्कत लग रही है, क्योंकि मैं कई दिन बाद गया था आज ड्यूटी, और आया हूँ लेट 11 बजे, और 11 बजे तो इतना ठंड पड़ने लग गई कि बहुत ज़्यादा मेरे को रास्ते में लगी ठंड। मैंने हालांकि बैग रख लिया था आगे, लेकिन उसके बावजूद मेरे को जुकाम जैसा फील हो रहा है, तो इसी वजह से मेरे को बोलने में हो रही थोड़ी सी दिक्कत लाइव में, और ऐसे धसका जैसे फील हो रहा है, इसीलिए मैंने लाइव को कर दिया खत्म। तो ब्लॉग को करता हूँ आज का यहीं पर खत्म, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और लाइव में मिलते हैं कल शाम को, और फिर इवनिंग में मिलते हैं रात को 11 बजे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।